हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। मेरा नाम है प्रेम सागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। जो कि लोग मोटोरोला H40 नियो को लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो। ये वीडियो बहुत ही जरूरत है, देखिए जरूर। कोई भी स्मार्टफोन 20-22 हजार के स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में जान लेना काफी ज्यादा उचित होता है और उसके बारे में पूरी सब डिटेलिंग्स में जानना और भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। क्योंकि काफी लोगों ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट्स भी किया था कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता। तो मैं कहता हूं उन कमेंट्स करने वालों को, क्या उनको बहुत ज्यादा पता है तो ले ले वो फोन को। हम तो ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी स्मार्टफोन लेने के हो चाहे ना लेने के हो, मैं आप पे डिपेंड छोड़ देता हूं, बस अपना सजेस्ट देता हूं किसी भी स्मार्टफोन से रिलेटेड। मुझे उस स्मार्टफोन से या किसी स्मार्टफोन से रिलेटेड मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिला, कुछ जानकारी मिली, तब मैं आपको उसको प्रोवाइड कराता हूं। फेक टाइप के वीडियोस नहीं बनाता हूं, फेक इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं। जैसे कंपनियां फेक MRP देखा के आपको ऐसे ही दाम में बेच देती हैं, तो वाली चीजें नहीं होती है। वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही खास वीडियो है मोटोरोला H40 को लेकर। क्योंकि मोटोरोला के जो H40 न्यू है, काफी ऐसी स्मार्टफोन देखने में काफी जितना डिजाइन लुक कर सकते हैं कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, और उसकी बॉडी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर की है, जो कह सकते हैं काफी ज्यादा एकदम कह सकते ऐसा बातें नहीं है। लेकिन उसकी रैम स्टोरेज सब कुछ है, 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज, मीडियाटेक का डायमसिटी के 730 का प्रोसेसर है, और इसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वही 7000 जो 7200 प्लस है उसी के बीच का देखने को मिल जाता है। बस वही इसी के बस बनाया गया है, 730 नाम दे दिया गया इस प्रोसेसर का। और इसमें कैमरा देखने को मिलेगा, रियर में डुअल कैमरा 50 MP प्लस 30 MP का, फ्रंट में 32 MP कैमरा देखने को मिल जाता है। 6.5 इंच का आपको फुल HD OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। 5000 mAh की बैटरी, 8W का चार्जर देखने को मिलेगा, Type-C केबल देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। सारी चीजें अच्छी फीचर्स के साथ देखने को मिल जाती है। और बात रही सेल्स की, लेकर भी बात करेंगे इस स्मार्टफोन को जो सेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस की भी बातें किया जाएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन को ना लेने के लिए बातें। मैं जो रीजन बताया था, मैं ऐसे ही नहीं, कोई जो स्मार्टफोन को परचेस कर लिया उससे पूछिए, उससे क्या स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन, यानी कि जो मतलब 5G नेटवर्क पर वो स्मार्टफोन को कल रात भर रख के देखिए, वो स्मार्टफोन 100% पर चार्ज रखेगा तो देखिए उसका चार्जर ऐसा हो ही ना। उसकी चार्जर कम से कम उसके 65 या 70 के बीच में आके उसका चार्जर हो जाएगा, यानी कि 30 से 35% ऐसा है बैटरी उसकी डाउन हो जाती है, हो जाएगी। और स्मार्टफोन को यूज करने के बावजूद भी जब हैवी लोड पड़ेगा तो स्मार्टफोन में थोड़ा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, तो ये चीज है इसमें तो थोड़ा देखने को मिल गया। वही चार्जर की बात करें, चार्ज मैंने कहा कि जो उसमें जो चार्ज करने पर जिस तरह से इसमें कहा गया है जिस फास्टेस्ट से चार्ज होने के लेकर, उस तरीके से इसमें फास्टेस्ट चार्ज भी देखी जाए नहीं रही है, ठीक ना। कनेक्ट मतलब जो भी स्मार्टफोन थोड़ा स्लो चार्ज होता है तो थोड़ा स्लो बैटरी खाए तो वो चल जाता है, वो बातें होती है। कोई भी स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी है, अब उस स्मार्टफोन को हम बैटरी अभी ना चाहे कि हम दिन भर नॉर्मल इस तरीका से चलाएं और दिन भर भी बैटरी ना चले तो उस चार्ज की मतलब नहीं रह जाता है, ठीक ना। और मैंने कुछ कंडीशन बताया था डिस्प्ले वगैरह, वाकई में देखिए कहीं भी कर्व डिस्प्ले का जो टेम्पर होता है हर जगह देखिए नहीं बंद मिलता है, और हर जगह जाइए मेरे यहाँ देखिए बहुत से ऐसे जगह है जाएंगे कर्व डिस्प्ले वाला का टेम्पर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से मैं इस चीज के लिए कहता हूँ कि जो आप डिस्प्ले देते हो तो उसकी देखिए कर्व डिस्प्ले होती है तो उसके साथ एक टेम्पर आपको फ्री देना चाहिए उसके साइज का, और साथ में आप चीज और भी ध्यान देना है। चलिए टेम्पर आप नहीं देते हो ठीक, प्रोटेक्शन ऐसा कीजिए कि उसमें इतना जल्दी स्क्रेचेस ना लगे, क्योंकि इतनी महंगी स्मार्टफोन लेने के बाद लोगों को स्क्रेच लगने लगता है, इसमें काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी जो फॉल्ट होगा उसकी बातें अलग होती है। और बात रही स्मार्टफोन लेने के लिए, स्मार्टफोन एकदम फीचर वगैरह के मामले में एकदम नंबर सही है, और इसकी स्मार्टफोन जो 22000 में लॉन्च है और ऑफर के साथ जो देखने को मिल रहा है 19999 में, 20000 में स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। अब बात रही कि बिग बिलियन डे सेल्स में इस ऑफर को लेकर, बिग बिलियन डे रहे या चाहे ना रहे उसको, जो इसको मोटोरोला का जो H40 न्यू स्मार्टफोन है फर्स्ट सेल भी होती लगी तो फिर भी उसका सेल उतने ही प्राइस देखने को मिलेगा,
तो कहने का मतलब यह है कि भी सेल्स के लेकर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कार्ड वगैरह लगाएंगे 200 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 रुपये का 200 रुपये का डिस्काउंट ज्यादा और देखने को मिल जाता है। बाकी ज्यादा इसमें कुछ देखने को ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। अब बाकी लेने के लिए स्मार्टफोन बढ़िया बेस्ट है, ठीक है, जो आपको इस चीज के इशू नहीं रखता है, इस चीज की कोई दिक्कतें नहीं है, तो स्मार्टफोन लीजिए, एक नंबर का स्मार्टफोन, डील भी बढ़िया है, आप उसे भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना स्मार्टफोन किस कंपनी की यूज करते हैं भी कमेंट जरूर करिएगा।